हमसे हमेशा जुड़े रहने के लिए हमें सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। जय नारायण व्यास विश्वविद्यालय में छात्र संघ चुनाव के लिए अधिसूचना जारी होने के साथ ही छात्र संघ संगठन और छात्र नेता सक्रिय हो गए हैं। गुरुवार को एबीवीपी और छात्र नेता लक्षदीप सिंह राठौर ने अपने समर्थकों के साथ छात्र हितों और विभिन्न मांगों को लेकर अलग अलग प्रदर्शन किया। उन्होंने विवी के कुलपति कार्यालय के बाहर प्रवेश द्वार बंद करके नारेबाजी की और फिर अपनी मांगों के ज्ञापन सौंपे। जय नारायण व्यास विश्वविद्यालय में छात्र संघ चुनाव आगामी 10 सितंबर को होंगे और इसकी अधिसूचना बुधवार को जारी कर दी गई थी। अधिसूचना जारी होते ही छात्र संगठनों के साथ ही छात्र नेता भी सक्रिय हो गए। वे अब शक्ति प्रदर्शन पर उतर आए हैं। छात्र संघ चुनाव में अपना भाग्य आजमाने वाले छात्र नेता शक्ति प्रदर्शन के रूप में विवी परिसर के बाहर रैलियां निकाल अपनी शक्ति का प्रदर्शन कर रहे हैं। गुरुवार को यहां कुलपति कार्यालय के बाहर एबीवीपी के कार्यकर्ताओं ने विभिन्न मांगों को लेकर प्रदर्शन किया। इसके साथ इंजीनियरिंग संकाय के सभी छात्रावास की सफाई करवाने, विधि संकाय के पुस्तकालय में जल्द से जल्द नई पुस्तकों की व्यवस्था करने, इंजीनियरिंग संकाय के LTH ब्लॉक में बाथरूम की व्यवस्था करवाने, KN कॉलेज में स्पोर्ट्स बोर्ड की व्यवस्था करने, विधि और वाणिज्य संकाय में नए फर्नीचर की व्यवस्था करने, विश्वविद्यालय के नए परिसर में अस्थायी पुलिस चौकी की व्यवस्था करने, किसी भी संकाय का मतदान केंद्र स्थानांतरित नहीं करने एवं कैंटीन और बाथरूम की सफाई करवाने, पंखों की व्यवस्था करवाने आदि की मांग की गई। द्वारा जोधपुर शहर विभाग द्वारा विश्वविद्यालय के कैंपस की गेट के बाहर में, हेड ऑफिस के गेट के बाहर में प्रदर्शन कर विसी को ज्ञापन दिया जा रहा है। इसके अंदर हम विभिन्न मांग कर रहे हैं, जिसके अंदर प्रमुख मांग हमारी है जो छात्रवृत्ति और जो शोधवृत्ति जो दी जा रही है उसके अंदर हम 15 दिन के अंदर उसको जारी करने की मांग करते हैं। पिछले 15 साल से छात्रवृत्ति दी जा रही है, पर एक समय में जब 650 रुपये फिक्स कर दी गई, वो आज 15 साल तक सिर्फ 650 रुपये चलती आ रही है, जिसके कारण जो विद्यार्थी है उनको नुकसान उठाना पड़ रहा है या कह सकते हैं उनको बड़ी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। इसके बाद में जब विश्वविद्यालय छात्रवृत्ति देता है तो उसके अंदर उसकी जो उपयुक्त सूचना जो जारी होनी चाहिए वो जो सूचना विद्यार्थी तक नहीं पहुंच पाती है, तो विद्यार्थी परिषद मांग करता है कि जो स्टूडेंट का जो पोर्टल है, ऑनलाइन पोर्टल जो उसकी ID बनी हुई है, उसके ऊपर इसकी सूचना दी जानी चाहिए विश्वविद्यालय द्वारा कि भाई छात्रवृत्ति इस तारीख से लेकर इस तारीख तक दी जाएगी और उसके लिए जो भी आवेदन है या जो भी है वो उपयुक्त समय में लिया जाए। इसके बाद में एक जो उपयुक्त जनजाति है जो अभी तरीके से जो नई तरीके से जोड़ी गई है इसके अंदर शोधवृत्ति के अंदर, उसके अंदर उनकी जो है वो छात्रवृत्ति है वो काफ़ी कम रखी गई है, तो मिनिमम 2000 जो है एक साल के अंदर तो छात्रवृत्ति दी जानी चाहिए। तो इसको लेकर आज विद्यार्थी परिषद ने पूरे भारतवर्ष में सभी कैंपस के बाहर प्रदर्शन किया है और आज विद्यार्थी परिषद जोधपुर नगर महानगर द्वारा और जोधपुर शहर विभाग द्वारा JNVU के हेड ऑफिस के ऊपर प्रदर्शन कर विषय को ज्ञापन सौंपा जा रहा है। जोधपुर से जागरूक TV की रिपोर्ट।